गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया होगी और आपकी प्रिपरेशन आरआरबी पीओ के लिए काफी बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। ऑल दो कल हमारा एसबीआई क्लर्क मीन्स को ने पोस्टपोन कर दिया, डिफर कर दिया। उसके लिए नेक्स्ट डेट जब भी होगी वो बता देंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आईबीपीएस आरआरबी पीओ जो कि 1 अगस्त और 7 अगस्त को होने वाली है। मेरा 7 अगस्त को 2:45 वाली शिफ्ट है। कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में एक इनसिक्योरिटी है, एक डर है कि भाई मैथ्स का सेक्शन बन नहीं पा रहा। रीजनिंग में तो हम बना रहे हैं 30, 35, 36, मगर मैथ्स के अंदर 15 मार्क बन रहे, 16 बन रहे, मॉक में स्कोर ही नहीं आ पा रहा। तो क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले इसी चीज को लेके इस वीडियो में बात करूंगा, तो वीडियो पूरा देखना। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना। नए होगे तो सब्सक्राइब करना। यदि मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम का ग्रुप नितिन का निरीक्षण या इंस्टाग्राम नितिन सिंह 1412 94, इसको ज्वाइन करना। सबसे पहले हमें एसबीआई क्लर्क प्री को देखना चाहिए क्योंकि एसबीआई क्लर्क प्री अभी हुआ है, बहुत रिसेंट में हुआ, और उसका मैथ्स सबको पता है किस लेवल का आया था। Q1, Q2, KSLET ऑलमोस्ट, या तो KSLET आया नहीं तो Q1, Q2 आया है। और लास्ट ईयर भी जब मैंने पेपर दिया था आरआरबी पीओ का, लास्ट ईयर और उसके पहले साल मुझे KSLET दिखा था, मगर लास्ट टाइम पेपर का पैटर्न ये था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज मिसिंग या रॉन्ग, या हमारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन, इन तीन में से दो मतलब आ ही रहे थे हर शिफ्ट में 12 मार्क के लिए। 18 मार्क का डीआई था और 10 मार्क का हमारा अरिथमेटिक था। तो यदि मैं अरिथमेटिक को थोड़ा साइड भी कर दूं तब भी मेरे पास 30 मार्क हैं, और 30 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीओ वाली एग्जाम में। क्लर्क में तो भाई 30 मार्क कुछ भी नहीं होते, मतलब पीओ की एग्जाम में 30 मार्क काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट करना चाहिए ये 30 मार्क को। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और हमारा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन विद इन 5 मिनट या 6 मिनट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हमें डेटा इंटरप्रिटेशन को टारगेट करना चाहिए। इसके लिए आपको मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए क्योंकि उसमें आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाता है कि कैसा पेपर बना था। उसके अलावा बहुत लोगों को रॉन्ग सीरीज में दिक्कत होती है। यार मैं जब पढ़ता था तो मैं पहले सुमित सर से, जो कि पहले अड्डा 247 में थे, अब एग्जाम सेंट्रिक में शायद है, उसके अलावा मैं आशीष अरोरा सर को फॉलो करता था डीआई के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट भी वही करूंगा। उसके अलावा आपको मेन चीज है, आपने क्वेश्चन चुन लिए कि भाई ये क्वेश्चन को मैं टारगेट करूंगा, मैंने उसको कंसेप्ट सीख लिया, अब मुझे उसको इम्प्लीमेंट करना है और मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट सोर्स होता है वो होता है हमारा मॉक टेस्ट लगाना। अब मॉक टेस्ट आपको जिसकी लगानी है आप उसकी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, मगर प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हमेशा एक ही सोर्स बोलता हूँ, वो है काइंडली का बंडल पीडीएफ। उसमें आपको मैथ से लेके, रीजनिंग से लेके, इंग्लिश से लेके, करेंट अफेयर्स सब मिलेगा, फ्रॉम प्री लेवल से लेके मेंस लेवल। प्लस एक चीज आपको और मिलती है, वो है उसका वीडियो सोल्यूशन। यदि आप कहीं अटक गए हो, कोई रॉन्ग नंबर सीरीज में अटक गए हो, तो क्या कंसेप्ट है वो आपको बताएगा वीडियो के माध्यम से। उसके अलावा ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, सो आई विल सजेस्ट, काफी बढ़िया सोर्स है। इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन कॉलम में, वहां से जाके इसको जरूर सब्सक्राइब करना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मॉक टेस्ट। इस टाइम कम से कम आपको पता है आज तारीख है 20, 1 तारीख को अभी तक हमारी 3 शिफ्ट, 2 शिफ्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। आपको अब करीबन करीबन एक मॉक टेस्ट आपको अपनी एग्जाम शिफ्ट, जैसे मेरी 2:45 वाली एग्जाम शिफ्ट है, मुझे उस टाइम पे देना चाहिए, और एक मॉक टेस्ट जब भी मेरा मन है तब दूं। रीजन ये है कि हमें एक आइडिया बैठ जाता है कि 2:45 के टाइम पे, आप भी जानते हो कि आपको हैबिट नहीं है, इंसान कोई सोता है, कोई खाना खाता है, मगर यदि 2:45 वाली शिफ्ट में मैं रोज करीबन करीबन 10 दिन 10 पेपर दूंगा तो मेरे मेंटल जो होता है ना, हमारे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो मैं कहीं ना कहीं सेट कर लूंगा। इससे कैसा होगा कि यदि पेपर हार्ड भी आया तब भी मैं डरूंगा नहीं, इजी भी आया तो भी मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं नॉर्मल होकर एग्जाम दूंगा। लास्ट में एक चीज बोलूंगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ को मत छोड़ना। बहुत बढ़िया वैकेंसी निकली है, मतलब ऑलमोस्ट अच्छी है, स्कोर हो सकता है। मैथ्स आप 10 12 14 स्कोर कर रहे होगे, उसको 26 27 28 प्लस कर सकते हो स्कोर, जो बताया हो बस उसको फॉलो करो। बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी यदि मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप नितिन का निरीक्षण, इसको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, या इंस्टाग्राम पे नितिन सिंह 1412 94, और गाइडली का बंडल पीडीएफ को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, राम राम।